हमको इससे कोई मतलब नहीं रखना, कोई वास्ता नहीं रखना हमको इससे। ये हमको छुप छुपा कर हमसे शादी करना चाहता है। कौन है ये? एक साल से जान पहचान है इस आदमी से। बस जॉब जॉब के लिए हम इससे हमको बातचीत हुआ था जॉब के लिए, और कोई बात नहीं। बस क्या बताता है, कौन है? अभिजीत पांडे है। क्या काम क्या करते हैं? बोलता तो न्यूज रिपोर्टर है। अच्छा जी, हम इससे कुछ नहीं चाहते, बस हम चाहते हैं कि मेरा पीछा छोड़ दे, और हमको इससे कुछ नहीं चाहिए। आप रिलेशनशिप भी है? नहीं। कल क्या हुआ था? कल हमको मार रहा था झोटा नोच नोच के। कहाँ पे? ये हाई हाई कोर्ट है ना, वहीं पे। क्यों मारपीट हुई थी? यही कि मतलब इसके हम इससे बातचीत नहीं करना चाहते हैं, हम इससे कोई रिश्ता नाता नहीं रखना चाहते, बस इसीलिए। और ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि हम इनसे छुप छुपा कर शादी करें, और जब थाना में आया तो ये हमको बोलते हैं कि ये हमसे ज़बरदस्ती शादी करना चाहती है। आपके पिताजी की उम्र क्या है? जी। आपके साथ गलत करना चाहते हैं? नहीं, छुप छुपा कर शादी करना चाहते हैं। और हाँ, आप FIR दर्ज की? नहीं, हमको इससे बस पीछा छुड़वाना, हमको और कुछ नहीं करवाना इससे। आपको डर भी इससे? नहीं डर, जैसे देखे चुका पीछा करता है। डर है ना आपको इससे? हाँ, डर है ना। डर भी सकता जी है। हाँ, मार जान। आप ये बताइए, रात में आप हाई कोर्ट के पास मारपीट कर रहे थे इस महिला? मैं मारपीट नहीं कर रहा था, एक्चुअल मुझको 7:37 पे मुझको फ़ोन किया गया, मैं पूजे पे था घर पे। उसके बाद इस लड़की ने मुझको बुलाया कि एक्चुअल मैं बता दूं बैक हिस्ट्री की, 1.5 साल से रिलेशनशिप में थी, और हमेशा पैसा, घर द्वार, घर का खाना, घर का मतलब पूरा राशन पानी, हो घर का पूरे मकान का किराया, कभी उनकी माँ को दिखाना, कभी बहन को दिखाना। अभी पिछले दिनों नहीं हो तो आप वहाँ जाके PMC में देख सकते हैं कि वहाँ रिकॉर्डेड है कि इनको अल्ट्रासाउंड और सब कुछ हमने करवाया है। रात में हुआ ऐसा कि ये किसी के साथ मुझको बुलाया, मैं सारा हमसे खर्च लेती थी, और ये दूसरे के साथ गुलछर्रा उड़ाते, हमने देख लिया, हमने टोक दिया। उसके बाद वहाँ से आप सोचो कि सवना मोड़ से ये मेरे साथ सगुना मोड़ से, और यहाँ ये प्री प्लान्ड इनका था पहले से, और यहाँ आके और लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। आप ये बताइए, आप शादीशुदा हैं? जी शादीशुदा हैं, ये पीछे हमारे पड़ी रही है। आप तो आपने तो रात में खुद बयान दिया है कि मैं 2 साल से लीव इन रिलेशनशिप। ये तो बात सही हम कर रहे हैं, तो पीछे हमारे पड़ी रही है। ये बेशर्मी नहीं है, ये आपकी बेटी दाखिल है वो, आप इस तरह का काम किए हैं इस पर? नो कमेंट, मैं कमीशन को, आपकी बात हो सकती है। नहीं, आपने खुद बोला कि लीव इन रिलेशनशिप है 2 साल से। नहीं, मैं मान सकता हूँ, आज 35 वर्ष की उम्र की है, ये बच्ची नहीं है, इनकी दो छोटी बच्चियाँ और दो बहन थी। ये हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, ये हमेशा मतलब शादी के लिए हमारे साथ इच्छुक रही है, और पैसा हमसे हमेशा लेते रही। परसों तक अपनी बहन के बेटे का इलाज करवाया करदिनबाग हॉस्पिटल में, नहीं हो तो शाम को डॉक्टर है वो प्रूफ कर देंगी, उसकी दवाई हमने खरीद के दी। लिविंग रिलेशनशिप में? जी जी बेशक। जान पहचान? मैं ईद के दौरान लौट रहा था तो यहाँ पे रेडियो स्टेशन मोड़ पे मिल गई। मैं आ रहा था गांधी मैदान से, ईद के दूसरे दिन पीछे साल की घटना ये, और ये एकाएक हाथ दी कि आगे तुम मुझको लिफ्ट दे देंगे। मैं कह रहा था, हमने कहा कहाँ तक जाओगे भाई, तो मुझको वहाँ तक जाना, निशाबाद तक, हम कह तो बेउर मुझको भी जाना है, तो हमारे साथ बैठ गई। उसके बाद बोल कि 50 रुपये हमको दो, इत्तेफाकन 50 रुपये था फर्स्ट डे हमारे। मैं रिलेशनशिप उस टाइप का नहीं है, लेकिन साथ में हमारे साथ बहुत जगह लीव इन रिलेशनशिप का, ये हमारे साथ अजमेर गई हैं, रांची गई हैं, लालच इन लोगों के प्रति आ गई था। कहाँ, मैं बेसिकली पहले पत्रकारिता से, मैं 86 से पत्रकारिता से जुड़ा था, आज के डेट में फ्रीलांसिंग पे मैं जुड़ा हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसी बात नहीं, आपको हमने कहा था, आपसे बात हुई थी कि भाई आप हैं, मैं फ्रीलांसर हूँ, आज भी मैं फिर पत्रकारिता से जुड़ा रहा हूँ, आज भी मैं फ्रीलांसर हूँ, मैं ध्वंस नहीं देता किसी को, मैं अभी फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ और एक संस्थान से जुड़ा हूँ। मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था, आपसे भैया 2 मिनट रुक जाओ, मैं भी पत्रकारिता से लड़की ने आरोप लगाया है कि आपने पत्रकार का ध्वंस देखा। मैं कभी पत्रकार का ध्वंस किसी को नहीं दिखाता, कल भी इनसे। मैं अभिजीत पांडे, मेरा नाम पड़ा। रात भर में रखा बैठा हो कहा?